प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने होली पर्व के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सभी ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली का त्योहार आपसी प्रेम एवं सौहार्द का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि होली के रंग हमारी बहुविध सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए विविधता में एकता का संदेश देते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह त्योहार प्रदेश और यहाँ के लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएगा। सभी प्रदेशवासियों को और खास करके हमारे युवा साथियों को मैं बहुत बहुत इस होली के पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ और मेरा यही निवेदन रहेगा कि आपने बहुत सी महत्वाकांक्षाएं अभिलाषाएं प्रदेश के युवाओं की सरकार से हैं। मैं आपको पूर्ण विश्वास अपनी ओर से भी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की ओर से भी दिलवाता हूं कि हम युवाओं की पैरवी हर मंच पे करेंगे, आपकी आवाज को उठाने का हम हर प्रयास करेंगे। हमने पहले ही मैं कह चुका हूं कि जो हमारी गारंटी हमने महिलाओं को दी है उसको भी हम समय रहते हुए पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। होली के पर्व में समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। होली का त्यौहार हमारी हिंदू रीति में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये आपस में मैं समझता हूँ भाईचारा, प्रेम, स्नेह और मैं समझता हूँ हर तरह से आपस में एक एकजुटता रहे, इन बातों को लेकर आगे बढ़ता है और मैं इसके लिए समस्त प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ महिला दिवस भी आज है और इसके लिए भी समस्त मैं अपनी माताओं को, बहनों को, समस्त महिला वर्ग को इसकी हार्दिक बधाई देता हूँ। सभी को, पूरी देश की जनता को होली की सबसे पहले होली की मुबारक देता हूँ और हमारी माताएं बहनें उनको वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप फले फूले, कोई भी सरकार जो है महिलाओं के हित की है, उनके दुख दर्द को समझती है, कोई भी हो तो आप सरकार से जरूर संपर्क करें। आपकी हर एक माताएं और बहनें जो पूरे प्रदेश में हैं उनकी मदद जो है प्रायोरिटी भी की जाएगी। वहीं प्रदेश सहित राजधानी शिमला में भी अलग अलग क्षेत्रों में होली की धूम देखने को मिली। जहां युवा वर्ग ने नाच गाकर होली मनाई तो वहीं छोटे छोटे बच्चे रंगों से खेलते और एक दूसरे पर रंगों की पिचकारी मारते नजर आए। I'm gonna make it.